गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा है एनिमल किंगडम, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं फाइलम एनेलिडा को आज पढ़ेंगे। इससे पहले हम पोरिफेरा, प्रोटोजोआ, सिलेंटेटा, प्लेटी हेलमिंथीज, एसके हेलमिंथीज तक पढ़ चुके हैं। आज जो टॉपिक है हमारा फाइलम एनेलिडा, संघ एनेलिडा को पढ़ रहे हैं, यानी हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं। तो एनिलस का अर्थ होता है अ लिटिल रिंग, यानी सूक्ष्म वले, सूक्ष्म वले के रूप में, यानी एक रिंग वॉर्म के रूप में ये पाए जाते हैं। अर्थात हम कहेंगे ये एक गोल ऐसे वल्य रूपी संरचना के रूप में होते हैं, जिसके कारण हम इसको एनेलिडा कहते हैं, या इस संघ के जीवों को हम किस में रखते हैं, एनेलिडा के अंदर रखते हैं। अब इसके मुख्य लक्षणों का हम अध्ययन करते हैं। मुख्य लक्षण, तो हम कहेंगे एनेलिडा के अंदर मेयर के अनुसार लगभग 9000 जातियां पाई जाती हैं। कितनी जातियां पाई जाती हैं? 9000 जातियां पाई जाती हैं। जो हम कहेंगे अधिकांश जो जातियां होती है, अधिकांश जो जीव है, अधिकांश जीव है या जंतु है, वो समुद्री होते हैं। कैसे होते हैं? समुद्री होते हैं, यानी लवणीय जल के अंदर पाए जाते हैं। परंतु कुछ है वो अलवणीय भी होती है, अलवणीय, व कुछ है स्थलीय भी पाई जाती है। कैसी होती है? स्थलीय भी होती है, यानी हम कहेंगे कि एनेलिडा संघ के अंदर आने वाले जो अधिकांश जातियां पाई जाती हैं, या अधिकांश जो जीव होते हैं, वो समुद्री होते हैं, समुद्री जल के अंदर पाए जाते हैं। जबकि कुछ जातियां हैं, परंतु कुछ जातियां हैं वो कैसी है? अलवणीय होती हैं, और कुछ है वो स्थलीय वही पाई जाती है। इस संघ के जीवों के अंदर द्विपार्श्व सम्मिति, यानी ये जो जीव होते हैं ये द्विपार्श्व सम्मित होते हैं, बाई लेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, यानी हम कहेंगे कि इन जीवों को एक ही निश्चित तल के द्वारा, तल से एक काल्पनिक रेखा के द्वारा दो भागों के अंदर विभाजित किया जा सकता है। ये जीव त्रिजनन स्त्रीय होते हैं, त्रिजनन स्त्रीय होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिकोरकी होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी एक्टोड्रम, एंडोड्रम व मीजोड्रम तीनों स्तर इसमें पाए जाते हैं। और एक है कि ये वास्तविक देहगुह्य होते हैं, यानी वास्तविक देहगुह्य पाई जाती है। सिलोमेट होते हैं, यानी इसमें देहगुह्य उपस्थित होती है, और इनमें वास्तविक खंडी भवन भी पाया जाता है, यानी इनका जो शरीर है वो खंड युक्त होता है, यानी इन जीवों के शरीर के अंदर खंड पाए जाते हैं, वास्तविक खंडी भवन होते हैं। अर्थात हम कहेंगे कि इनका जो शरीर है वो अलग अलग खंडों के अंदर विभाजित होता है। फिर हम कहेंगे इस संघ के जो जीव होते हैं इन्हें हम नली के भीतर नली की संज्ञा भी देते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो जीव होते हैं ये गोलाकार होते हैं या बेलनाकार होते हैं, लंबे होते हैं, गोल इसमें वले पाए जाते हैं, और इनके अंदर आर नाल भी पूर्ण विकसित होती है, इनकी आर नाल भी विकसित होती है। तो नली के भीतर नली, अर्थात हम कहेंगे शरीर है देह भित्ति वो भी नली का रूपी होती है, और इसके अंदर जो आहार नाल पाई जाती है वो भी कैसी होती है? एक नलिका के रूपी होती है, जिसके कारण इसको नली के भीतर नली जीव कहते हैं। फिर हम कहेंगे देह भित्ति जो होती है, देह भित्ति व
क्यूटिकल युक्त होती हैं, क्यूटिकल, अधिचर्म व पेशीय स्तर पाए जाते हैं, पेशीय स्तर पाए जाते हैं, यानी देह भित्ति है वो क्यूटिकल युक्त, अधिचर्म युक्त और फिर इसमें पेशियां भी पाई जाती है, अनुदेदरे पेशियां पाई जाती है, फिर वृत्ताकार पेशियां भी पाई जाती हैं। इन जीवों की जो आहार नाल होती है, आहार नाल पूर्ण विकसित होती है, आहार नाल पूर्ण विकसित होती है, डेवलप होती है, और इनमें बाह्य कोशिकीय पाचन पाया जाता है, इनमें बाह्य कोशिकीय पाचन होता है, अर्थात हम कहेंगे कि इनका जो शारीरिक संगठन होता है वो अंग तंत्र स्तर का होता है, वो अंग तंत्र स्तर का होता है। कैसा होता है? अंग तंत्र स्तर का होता है, जो जिसको हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ चुके हैं कि भाई जंतुओं का जब वर्गीकरण करते हैं तो उसके आधार क्या है, बेस क्या, तो उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि उसका शारीरिक संगठन क्या है, शारीरिक संगठन के आधार पर भी हम इसकी जीवों की बात करते हैं, तो इनमें अंग तंत्र स्तर का पाया जाता है, तो कह सकते हैं कि आहार नाल पूर्ण विकसित होती है, बाह्य कोशिकीय इनमें पाचन होता है। फिर हम कहेंगे जो परिवहन तंत्र होता है, परिवहन तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है वो बंद प्रकार का होता है। कैसा होता है? बंद प्रकार का होता है, अर्थात जो परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, मतलब एक तो खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है जिसमें रुधिर नलिकाओं के अंदर नहीं बहता है, खुला रहता है, यदि नलिकाओं के अंदर है तो नलिकाओं के सिरे खुले रहते हैं, ओपन रहते हैं, जबकि बंद प्रकार के अंदर क्या होता है कि रुधिर है वो बंद नलिकाओं के अंदर प्रवाहित होता है, तो हम कह सकते हैं कि परिवहन तंत्र है वो कैसा होगा, बंद प्रकार का होता है, अर्थात रुधिर है वो किस में बहता है, नलिकाओं के अंदर बहता है। इनमें श्वसन वर्णक पाया जाता है, श्वसन वर्णक उपस्थित होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो इसकी रुधिर प्लाज्मा के अंदर घुला रहता है। श्वसन वर्णक क्यों कहते हैं? क्योंकि यह ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करता है, ऑक्सीजन का क्या करेगा, परिवहन करता है, यानी हम कहेंगे श्वसन जो वर्णक होता है, हीमोग्लोबिन होता है, अपने शरीर के अंदर भी श्वसन वर्णक है वो कौन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन होता है, और वो ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। फिर हम गमन की बात करते हैं, तो इन जीवों में गमन के लिए कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, पार्श्वपाद पाए जाते हैं, सूक्ष्म पाए जाते हैं, शिटी सूक्ष्म, ठीक है, और चूसक भी पाए जाते हैं जिनके द्वारा ये गमन करते हैं, इनमें लोकोमोशन होता है, यानी परिवहन है कुछ जीत है जिसमें पार्श्वपाद पाए जाते हैं, ठीक है, कि सूक्ष्म पाए जाते हैं, सीटी जैसे केंचुआ है तो केंचुआ के अंदर सूक्ष्म पाए जाते हैं, चूसक भी कुछ जीवों के अंदर पाए जाते हैं जिनके द्वारा इनमें क्या होता है, गमन होता है या लोकोमोशन होता है। फिर हम कहेंगे इनका जो तंत्रिका तंत्र होता है वो विकसित प्रकार का होता है, तंत्रिका तंत्र विकसित प्रकार का होता है, विकसित होता है, और यह किसमें डिवाइड होता है, तंत्रिका वलय व तंत्रिका रज्जु से निर्मित होता है, तंत्रिका वलय व तंत्रिका रज्जु, ठीक है, नर्व रिंग एंड नर्व कोड के अंदर विकसित होता है, और यह अदर सतह पर पाया जाता है, कहाँ पर, अदर जीव के अदर सतह पर उपस्थित होता है, और यह दोहरा व ठोस होता है, दोहरा व ठोस होता है, ये ध्यान रखना, दोहरा व ठोस प्रकार का
होता है, अर्थात हम कहेंगे कि जो श्वसनतंत्रिका तंत्र होता है डेवलप्ड प्रकार का होता है, और यहाँ पर हम कहेंगे मस्तिष्क की जो उसमें तंत्रिका वल्ले पाई जाती है, नर्व रिंग पाई जाती है, और फिर उसे एक नर्व कोड निकलती है जो उसके शरीर के लंबवत पाई जाती है, आधार मतलब ठोस होता है, मजबूत होता है। फिर हम कहेंगे कि इनके अंदर जो उत्सर्जन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है वो नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। नेफ्रिडिया उत्सर्जन तंत्र है वो किसके द्वारा पाया जाता है? नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। ये जीव जो है वो लैंगिकता के आधार पर एक लिंगी भी हो सकते हैं, एक लिंगी व द्विलिंगी भी हो सकते हैं। एक लिंगी का मतलब होता है कि नर और मादा अलग अलग होना, द्विलिंगी का मतलब ऐसे जंतु जिनमें नर जननांग और मादा जननांग केवल एक ही जीव के ऊपर पाए जाते हैं, जैसे केंचुआ, अर्थवर्म जो होता है केंचुआ होता है, तो यह हम कहेंगे द्विलिंगी होता है, नर जननांग और मादा जननांग एक ही जीव के ऊपर पाया जाता है। परिवर्धन, परिवर्धन प्रत्यक्ष भी होता है, प्रत्यक्ष भी होता है वह अप्रत्यक्ष भी होता है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का पाया जाता है। और इसमें जो लार्वा पाया जाता है, लार्वा का नाम है ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है, स्वतंत्र होता है, ठीक है। तो जिसमें लार्वा उपस्थित है तो उनमें हम कहेंगे सीधा सा कि भाई अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, और जिसमें लार्वा नहीं होती है तो वो कैसा हो जाएगा? अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। फिर इनमें हम कहेंगे संवेदी अंग पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना, संवेदी अंग उपस्थित होता है, संवेदी अंग उपस्थित जो स्वादग्रही हो सकते हैं, स्वादग्रही हो सकते हैं, स्वाद का ज्ञान कराने वाले, प्रकाश ग्राही भी हो सकते हैं, प्रकाश का ज्ञान कराने वाले, और स्पर्श ग्राही, स्पर्श के द्वारा ज्ञान, बाहरी वातावरण, संवेदी अंग मतलब बाहरी वातावरण से संवेदनाओं को प्राप्त करना, जैसे हमारी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है, पांच ज्ञानेंद्रियां होती हैं, वैसे के वैसे इनके अंदर भी संवेदी अंग उपस्थित होते हैं, सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं जिसमें स्वादग्राही, प्रकाशग्राही और स्पर्शग्राही होते हैं। इनके एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जैसे नेरिस हो गया, हेटेरोनेरिस हो गया, कैंचुआ हो गया, ठीक है, नेरिस है, हेटेरोनेरिस है, हेटेरोनेरिस, तो जोंक है, जोंक है, तो ये जो है वो इसके एग्जाम्पल है, किसके? एनिलिडा संघ के जंतुओं के अंदर। तो एनसीईआरटी के अनुसार हम केवल और केवल या इनके के मुख्य लक्षणों का ही अध्ययन करते हैं, इनके आगे अपन क्लासिफिकेशन या इनका वर्गीकरण है वो नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर उनका नहीं दे रखा है। तो इस प्रकार हम कहेंगे जो हमने लक्षण पढ़े हैं, ये लक्षण जिन जंतुओं के अंदर पाए जाते हैं वे सभी जंतु हैं वो किसके अंदर रखते हैं? हम एनेलिडा संघ के अंदर रखते हैं। धन्यवाद।